खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और UFT न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं UFT न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जनपद कासगंज में नए पुलिस कप्तान ने चार्ज संभालते ही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इससे पूर्व भी कासगंज में दर्जनों अवैध असलहा फैक्ट्रियों का खुलासा हो चुका है। नए पुलिस कप्तान सुशील कुमार घुले के कुशल निर्देशन में सिढ़ापुरा थानाध्यक्ष राजकुमार सोलंकी ने कार्यवाही को सफल अंजाम दिया है और मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। करीब आधा दर्जन अवैध असलाहों के साथ असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सभी को निर्देश दिए गए थे, उसमें सिरपुरा की टीम ने एक अभियुक्त को पकड़ा है जो कि अवैध असलाह बनाने का काम करता था। इसको जो स्योड़ी गाँव है इसके पास से, हम लोग की बाग के पास से उसको पकड़ा गया। इसके पास से 10 बनाए बनाए असला मिल गए हैं जो कि अवैध तरीके से बनाए हुए तमंचे हैं, और इसके अलावा असला बनाने का जो सामान है वो भी इसके पास से प्राप्त हुआ है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है। पिछले साल भी इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है जो कि असला फैक्ट्री से रिलेटेड है। सर, बीते कई सालों से सिरपुरा में तमाम असला फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ है, ऐसा नहीं लगता कि सिरपुरा में एक असला फैक्ट्री का बड़ा हब बन चुका है, इसको बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? इसको हम जरूर रिव्यू करेंगे कि वहाँ पे किन किन जगहों पे लोग किसी चीज का इस्तेमाल करके ये सब चीजें बनवा रहे हैं, और इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई भी हम करेंगे और टीम को निर्देशित कर रहे हैं कि इसमें और आगे कार्रवाई करें और जो सभी लोग ऐसे काम में लिप्त है उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। ऐसा क्या कारण है कि लगातार कार्रवाई के बावजूद भी वहाँ काम नहीं रुक रहा है सलाखा? इस बात को रिव्यू कर ले रहे हैं हम लोग और जितने भी हैं उन सभी लोगों को हम पकड़ के जेल दूंगा। सर, तमाम खुलासे होते हैं लेकिन मुख्य आरोपी जो होते हैं पुलिस की गिरफ्त से लगातार भागे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हम ये इंश्योर करेंगे कि जो मुख्य अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए, और अगर वो उस मौके पे गिरफ्तार नहीं हुआ है तो ये भी इंश्योर किया जाएगा कि उनके खिलाफ पुरस्कार घोषित करें और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर भी हमारा यही वो रहेगा कि सबसे पहले हम मुख्य अपराधी को ही गिरफ्तार करें, और अगर वो मुख्य अपराधी बच रहा है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी कंप्लीट करेंगे, पुरस्कार भी घोषित करेंगे और उसको गिरफ्तार करके भी जेल। किस तरीके का सर, किस तरीके का इनाम पुलिस टीम के लिए घोषित किया है? जो पुलिस टीम ने इसमें काम किया है उसको काम करने के लिए हमारे ओर से इनाम भी जाहिर किया जाएगा। इसके ऊपर हम पुराने भी इनके जितने काम है उसको सभी को रिव्यू करेंगे और उसके बाद में टीम को हम इनाम। ये कहाँ कहाँ सप्लाई किया करता था उसने, इसके बारे में भी उससे पूछताछ डिटेल में करनी है, और ये पूछताछ के बाद में सब आगे के लिंक्स भी हम देखेंगे, और आगे के ही नहीं इसके और भी अगर कोई साथी है या वो और कोई अपराधियों के बारे में अगर जानता है तो उसकी भी जानकारी इस अभियुक्त से हम प्राप्त।